अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एंड चैप्टर नंबर 15, व्हिच इज सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। नाम है इसका प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल। वही रिवायती जुमला जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि पहले इसके लिए क्या जरूरी है बच्चों, पहले जरूरी है कि आपने इसके पिछले चैप्टर जरूर पढ़े हो, इसके पिछले चैप्टर्स की वीडियो जरूर देखी हो, स्पेशली चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो आपको ये चैप्टर समझ में भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए, तो पहले बेहतर ये कि इस वीडियो को रोकें और पहले पिछले चैप्टर्स को पढ़े, तो हमें ये चैप्टर समझना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे वही बनेंगे ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। Multiple choices questions. In a right angle triangle, hypotenuse is equals to h for hypotenuse, p for perpendicular, और किसके बराबर होता है? अगर आप एक right angle triangle की बात करें तो right angle triangle एक ऐसा होता है जिसको 90 degree का होता है, तो ये उसका base होता है, ये उसका perpendicular होता है, ये उसका hypotenuse होता है। तो एक common sense की बात है, hypotenuse square equals to perpendicular square plus तीसरी चीज क्या बची भाई, base ही तो बची, तो बेस स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये एक बना बनाया फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल एबीसी टू साइड्स आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड डैश। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर है तो उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अगर उसकी तीन साइड्स बराबर है तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी कोई साइड बराबर नहीं है तो उसे स्केलिन ट्रायंगल कहा जाए। तो राइट जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो फिलहाल जाहिर है इस पर पूछ रहा था, दो साइड्स बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मजाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है, तो फिर आए शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाए। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। इन ट्रायंगल एबीसी थ्री साइड्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मैंने अभी आपको बताया कि अगर तीनों साइड बराबर है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इक्वल्स टू, बात समझा दी मैंने, एक ही एमसीक्यू में आपको तीनों बात समझा दी। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू, शुरू में फॉर्मूला पढ़ा, जरा वापस देखें उस फॉर्मूले को, हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब वो वापस से पूछ रहे हैं लेकिन अलग तरीके से पूछ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो ही नहीं सकता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस पॉसिबल ही नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता, वो तो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जाहिर है इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, नहीं। एक्यूट एंगल्स इक्वल्स टू, बेटा एक्यूट एंगल कितना होता है, एक्यूट एंगल कहते हैं एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। और अगर आपसे पूछ लें ऑब्ट्यूस एंगल, तो याद रखिएगा ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, और राइट एंगल का तो मैंने आपको समझा ही दिया कि वो 90 के बराबर होता है। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितने एक्यूट एंगल हो सकते हैं, बना के देखें। एक एक्यूट एंगल बना दिया मैंने, अब मैं दूसरा अगर 90 से बड़ा बना दूंगा, ऑब्ट्यूस बना दूंगा, तो वो एक्यूट तो रहेगा नहीं, वो तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अच्छा मैं 90 बना देता हूं, तो वो बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे मजबूरन एक्यूट ही बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक एक्यूट, दो एक्यूट, तीन एक्यूट, किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा तीन एक्यूट एंगल होते हैं।
छोटा सा चैप्टर था, कम कॉन्सेप्ट थे। पिछले चैप्टर पढ़े में तो और ज्यादा आसान हो गया मुझे समझाना भी और आपको समझना भी। इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।